हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल आर्ट अगेन। नए नए आइडियाज और पैटर्न्स के लिए मेरे चैनल सोल आर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि। जल्द ही संक्रांति आने वाली है और हमारे महाराष्ट्रियंस में संक्रांति के बाद कुछ दिनों तक लेडीज गेट टुगेदर्स रहती है, जिसे हम हल्दी कुंकू कहते हैं। और जब हम किसी को हल्दी कुंकू के लिए इनवाइट करते हैं तो रिटर्न गिफ्ट हम उसे देते हैं, तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे आइटम्स हम अगले कुछ दिनों में देखेंगे कैसे बनाने हैं। तो उसी सीरीज में आज मैं एक क्लच लेके आई हूँ। ये जो छोटा पर्स या क्लच है वो हम जूट के फैब्रिक से बनाएंगे और उसके लिए मैं कॉम्बिनेशन में इस तरह का कलमकारी फैब्रिक का एक पीस यूज करूंगी। ये भी सिर्फ कुछ स्क्रैप्स ही थे मेरे पास, वो मैं यूज कर रही हूँ। और जूट के फैब्रिक सिलना इजी होता है और उसे अंदर से अलग से कोई इंटरफेसिंग लगाने की जरूरत नहीं है, स्पंज या कोई रबर शीट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा जूट का फैब्रिक है इसका मेजरमेंट है 9.5 इंच बाय 8 इंच, 9.5 इंचेस बाय 8 इंचेस। और उतने ही मेजरमेंट का मैंने एक लाइनिंग का पीस लिया है और एक छोटा लाइनिंग का पीस लिया है जिसका मेजरमेंट है 4.5 इंच बाय 8 इंच। और ये जो पट्टी हम उसे लगाएंगे इसका मेजरमेंट है 8 इंच बाय 2.5 इंचेस, 8 इंच बाय 2.5 इंच। अब यहाँ पे मैंने एक और पे 2.25 इंच में मार्किंग कर ली है और अब ये जो हिस्सा है वो मैं उसे इस तरह से 2.25 इंच पे जोड़ूंगी। ये सिर्फ हमें पैचवर्क के जैसे ही एक डिजाइन की तरह लगाना है। इसे लगाने के बाद अब यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे एक मार्किंग की है और इस मार्किंग पे अब मैं यहाँ पे काट लूंगी। और ये जो हमने लाइनिंग का पीस लिया है उसे भी हमें उसी मेजरमेंट से काट लेना है। और यहाँ पे काटने के बाद ये जो हमारे दो सिरे ओपन है वहां पे हम पाइपिंग लगाएंगे उसे इस कॉन्ट्रास्ट कलर के कपड़े की। तो उसके लिए मैंने 8 इंच बाय 1.5 इंच की पट्टी ली है और दोनों तरफ से फोल्ड करके मैं यहाँ पे उसे बीच में रखूंगी और पाइपिंग की तरह सी दूंगी दोनों ओर। ये पाइपिंग लगाने के बाद अब हम यहाँ पे उसे जिप जोड़ेंगे और जिप जोड़ने के लिए इस तरह से मैं जिप उसके नीचे रखूंगी। और ये जो मैंने इतने ही मेजरमेंट का पीस काटा है उसे मैं इस ओर नीचे रखूंगी। तो इस तरह से रख के हमें ये हिस्सा सिलना है। तो देखिए यहाँ पे ये कपड़ा सिल गया हमारा यहाँ पे, और इधर भी जहां पे पाइपिंग लगाई है उस पे भी ये जिप लग गई। अब हम उस पे दाग सिलाई करते वक्त ये जो हमारा कपड़ा है उसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे इस ओर से, और दाब सिलाई करते वक्त ये यहाँ पे कपड़ा हमारा पक्का सिल जाएगा। तो ये एक ओर से हमारी ये पाइपिंग भी लग गई और ये हमारी जिप भी अंदर की तरफ से छुप गई है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें लगाना है, तो ये मैं इसके नीचे रखूंगी जिप, इस कपड़े के नीचे रखूंगी मैं, और ये जो पट्टी हमने काटी है वो इस ओर रखनी है यहाँ पे इस तरह से, और उसे एक साथ जोड़ना है। और फिर इसे यहाँ पे हमें सीधा करके दाग सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमारे ये दोनों कपड़े जुड़ गए हैं अंदर की तरफ। अब यहाँ पे हम रनर डाल देंगे उसे इस तरह से,
और अब ये जिप लगने के बाद हम ऊपर की तरफ उसे जिप जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जिप जोड़ते वक्त हम हमेशा की तरह एक ओर से जोड़ेंगे, उस पे ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा रहेगा और यहाँ पे स्टिच करेंगे। और इस तरह से सीधा करके हम दाग सिलाई कर देंगे उस पे। इस तरह से दाग सिलाई करने के बाद मैंने ये जिप सेपरेट कर ली है एक ओर से, और यहाँ पे हमें थोड़ा देखना है कि ये जो हमने लाइनिंग जोड़ा है यहाँ पे हमारा ज्यादा गैप हो रहा है, क्योंकि ये जो हमने सेपरेट की तो जिप का जितना हिस्सा एक्स्ट्रा है वो हिस्सा उतना यहाँ पे बढ़ गया है। तो जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसे हमें काट लेना है। और अब यहाँ पे हमें हमेशा की तरह इस तरह से जिप रखनी है उल्टी तरीके से, और इस पे हमारा ये लाइनिंग का पीस आएगा। और हम उसे सीधा करेंगे इस तरह से, और हम उसे यहाँ पे दाग सिलाई कर देंगे। तो ये अच्छे से खींच के लेना है दोनों ओर से और यहाँ पे दाग सिलाई करनी है। तो इस तरह से दाग सिलाई भी हो गई और एक सिलाई हमारी बीच में आएगी। मैंने ये पहले और अब हम इसमें रनर जोड़ डालेंगे। और यहां से निकाल के फिर एक बार हमें रनर उसमें इंसर्ट करना है इस तरह से, और फिर इस तरह से ऐसे उसे फ्लैट करके साइड में सी देना है उसे। आप चाहे तो यहाँ पे आप उसे पाइपिंग भी जोड़ सकते हैं। और इस तरह से सिलने के बाद हम यहाँ पे उसे कॉर्नर्स तैयार करेंगे, तो थोड़ा इसका बेस बन जाएगा। तो इसके लिए यहां से मैं 1.25 इंच का बेस ले रही हूं यहां से, और जहां पे हमारी सिलाई है वहां से 1.25 इंच। तो इस तरह से मैंने कॉर्नर ले लिया है और इस ओर भी। तो यहां पे आप काट लीजिए और कॉर्नर्स जोड़ दीजिए, और हम यहाँ पे ये कॉर्नर्स जोड़ देंगे एक दूसरे पे इस तरह रख के। और अब हम इसे सीधा करेंगे। तो इस तरह से हमारा छोटा सा ये क्लच बनके तैयार है। ये दोनों ओर से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह इसमें रख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए एक उपाय आराम से इसमें रह जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको कॉइन्स वगैरह रखने हैं तो भी चाबियां रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, तो कैरी करने के लिए ये आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप पाउच बना सकते हैं। अलग अलग आप फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जूट फैब्रिक लिया है। तो इस तरह से आप पाउच बनाइए और अपना जो हल्दी कुंकू है उसे शानदार बनाइए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल सोल आर्ट को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर एक बार आऊंगी कुछ नया लेके। तब तक थैंक यू।